हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पादप गतियाँ क्या होती है और प्रदर्शन काल क्या होता है, टिटेनस क्या होता है और प्रभाव सीमा मान जिसे हम थ्रेशहोल्ड वैल्यू कहते हैं वह क्या होती है, और जो पादप गतियाँ होती है जैसे कि चलन की गतियाँ और वक्रण की गतियाँ ये क्या होती है और इनके क्या क्या प्रकार होते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर वीडियो वैल्यूएबल है और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गति क्या होती है। तो सजीवों के किसी अंग या संपूर्ण शरीर के स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं, ठीक है। और जो सजीव के संपूर्ण शरीर द्वारा जो स्थान परिवर्तन होता है उसको हम चलन कहते हैं। मतलब कि जो सजीव है, कोई भी एक जंतु होता है, वह एक किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि जाता है, मतलब कि स्थान परिवर्तन करता है, तो उसे हम चलन कहते हैं। जबकि जो पादप है उसके किसी भाग या अंग विशेष, जैसे कि कोई शाखा हो गई उसकी, उसके द्वारा स्थिति परिवर्तन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। अब वातावरण का कोई भी कारक जो पादप या फिर जीव में परिवर्तन उत्पन्न करता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं, और उद्दीपन के प्रति जो जीव की अनुक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, ठीक है। तो जो प्रतिक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। जैसे कि छुईमुई की पत्तियों को स्पर्श करने पर वह क्या होगी, झुक जाएगी। यहाँ स्पर्श क्या है, एक उद्दीपन है, तथा पत्तियों का झुकना क्या होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रदर्शन काल क्या होता है। तो किसी उद्दीपन के प्रति निश्चित अनुक्रिया के लिए यह आवश्यक होता है कि उद्दीपक एक निश्चित न्यूनतम अवधि तक ग्राही अंग पर क्रियाशील रहे, ठीक है। यही क्या कहलाता है, यही न्यूनतम समय जो होता है प्रदर्शन काल कहलाता है। जैसे कि छुईमुई की पत्तियों पर जो होता है स्पर्श जो है एक निश्चित न्यूनतम अवधि तक रहता है, तभी क्या होता है कि वह जो होता है अपना जो प्रभाव होता है वह प्रदर्शित करता है और छुईमुई की पत्ती जो होती है मुरझाती है। तो यह जो होता है न्यूनतम समय क्या कहलाता है, प्रदर्शन काल कहलाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टिटेनस क्या होता है। तो यदि पादप को बार बार उद्दीपित किया जाता है तो अंततः क्या होता है कि अनुक्रिया की क्षमता भी जो होती है पूर्णतः समाप्त हो जाती है, और यही स्थिति क्या कहलाती है, टिटेनस कहलाती है, ठीक है। मतलब अगर बार बार हम किसी चीज़ को उद्दीपित करेंगे तो उसकी जो अनुक्रिया है वही उसकी क्षमता जो हो जाएगी समाप्त हो जाएगी, और यही स्थिति हमारी टिटेनस कहलाती है। अब नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि हमारा प्रभाव सीमामान क्या होता है, यानी कि थ्रेशहोल्ड वैल्यू क्या होती है। तो उद्दीपक की वह न्यूनतम मात्रा जो दृश्यमान अनुक्रिया उत्पन्न करने में समर्थ होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रभाव सीमामान कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी उद्दीपक है, जैसे कि हमने छुईमुई प्लांट पे जो क्या करा था, स्पर्श के प्रति अनुक्रिया देखी थी कि वह मुरझा जाता है, तो वह जो उसकी अनुक्रिया हो रही है मतलब कि उसका मुरझाना वह किस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा उद्दीपक है मतलब कि जो हमारा स्पर्श करना है उसकी न्यूनतम मात्रा क्या है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो वह क्या कहलाता है, हमारा थ्रेशहोल्ड वैल्यू कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि यह जो हमारी गतियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो पादप में गतियों को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहली होती है हमारे पास में चलन की गतियाँ और दूसरी होती है हमारे पास में वक्रण की गतियाँ, ठीक है। अब हमारी चलन की गतियाँ भी जो होती है वह क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारे पास स्वतः प्रेरित चलन की गतियाँ और दूसरी होती है हमारे पास अनुप्रेरित चलन गतियाँ। स्वतः प्रेरित जो चलन की गतियाँ होती है वह भी कुछ अन्य प्रकार की होती है, जैसे कि वह पक्षमाभी, विसर्पी, अमीबीय और जीवद्रव्य भ्रमण, इनमें बटी हुई रहती है। और जीवद्रव्य भ्रमण भी हमारे दो प्रकार की होती है। पहला होती है हमारे घूर्णन की गतियाँ और परिसंचरण की गतियाँ, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा प्रकार था अनुप्रेरित चलन की गतियाँ, यह भी हमारी तीन प्रकार की होती है, प्रकाशानुचलन, तापानुचलन और रसायनुचलन। वक्रण की गतियाँ जो हमारी होती है वह भी दो प्रकार की होती है, वृद्धि की गतियाँ और परिवर्तन की गतियाँ। वृद्धि की गतियाँ हमारे वापस दो प्रकार की है, वह स्वतः प्रेरित वृद्धि की गतियाँ और अनुवर्तन या फिर अनुप्रेरित वृद्धि की गतियाँ, ठीक है। स्वतः प्रेरित वृद्धि की गतियाँ जो है यह निम्न प्रकार की है, पहला होती है हमारे पास अनुकुंचन और दूसरी है हमारे पास शिखा चक्रण। अनुकुंचन भी जो है दो प्रकार से होता है, वो होता है अधोकुंचन और अधोवृद्धि वर्तन, ठीक है। अब जो हमारी अनुवर्तन यानी कि जो अनुप्रेरित गतियाँ हैं जिन्हें हम सदिश गतियाँ भी कहते हैं, यह भी जो है हमारे निम्न प्रकार की है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और स्पर्शानुवर्तन, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये चलन, प्रकाशानुचलन और यह जो प्रकाशानुवर्तन में क्या डिफरेंस है। तो जो चलन होता है बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो पादप या फिर कोई भी जो जीव है वही क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो शैवाल हैं वो क्या करते हैं कि जो कुछ कॉलोनियल शैवाल जैसे वॉल्वॉक्स, ये सब क्या करते हैं कि अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चलन कहते हैं। जबकि जो वक्रण होता है, जब क्या होता है कि कोई भी पादप जो स्थिर रहता है, जैसे जो काष्ठी पादप में वह स्थिर रहते हैं, तो उनकी जो भी कोई भी एक शाखा होगी, ठीक है, कोई भी एक टहनी है, अगर उसमें जो होता है मूवमेंट होता है या फिर उसमें जो होता है वक्रण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वक्रण की जो गतियाँ कहते हैं। और इस प्रकार की जो वर्तन होता है इसके आश्रय हम क्या लगाते हैं, जैसे प्रकाश की उपस्थिति कारण हो रहा था वर्तन लगा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और जलानुवर्तन, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट जो गतियाँ हैं परिवर्तन गतियाँ, ये भी जो होती है हमारी निम्न प्रकार की है।
तो इसके भी जो कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्वतः प्रेरित और दूसरा होता है हमारे अनुप्रेरित, ठीक है। और अनुप्रेरित भी हमारी तीन प्रकार की होती है, निशानुकुंचन, स्पर्शानुकुंचन और कंपानुकुंचन, ठीक है। अब फर्स्ट हमारी जो गति थी, हमारी चलन की गति है, उसको देख लेते हैं हम। तो इस प्रकार की गति में क्या होता है कि संपूर्ण पादप एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। इस प्रकार की गति निम्न वर्ग के अनेक जलीय पौधों में अथवा उनकी जनन जनन की जो संरचना होती है उनमें पाई जाती है, ठीक है। और यही भी हमने पहले डिस्कस किया था कि दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी स्वतः प्रेरित। तो स्वतः प्रेरित में क्या होता है कि इस प्रकार की गति जो होती है आंतरिक कारकों से उद्दीपित होती है। और यह भी जो होती है कई प्रकार की होती है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला इसका प्रकार आता है हमारा पक्षमापी गति। तो यह जो होती है एक कोशिकीय शैवालों जैसे कि हमारे क्लेमाइडम मोनास, कोलोनियल शैवाल जैसे कि हमारा वॉलवॉक्स, यूरोडाइना तथा बीजाणुओं व युग्मकों में सीलिया या फ्लेजिला उपस्थित होते हैं तो उनमें होती है, ठीक है। और इन संरचनाओं की स्पंदन क्रिया के फलस्वरूप जो होती है ये जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक की ओर जो होते हैं गति करते हैं। मतलब जो हमारे बीजाणु और जो युग्मक हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, सीलिया और फ्लेजिला पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होती है, स्पंदन की क्रियाएँ होती है जिसके ही फलस्वरूप क्या होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। शैवाल के अतिरिक्त जो अन्य कवक अनेक जो कवक होते हैं तथा मोसेस और फर्न होती है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोस कहते हैं, और फर्न जिसे हम क्या कहते हैं, टेरियोफाइट में क्या होते हैं, जो पुमणु होते हैं में जो होते हैं पक्षमापी गतियाँ जो होती है पाई जाती है, ठीक है। और अगली जो हमारी गति आती है वो आती है हमारी विसर्पी गति। तो विसर्पी गति जो होती है वह कुछ शैवालों जैसे कि डाइटम, प्लेस्मिड्स व ओसिलेटोरिया में विसर्पी गतियाँ जो होती है पाई जाती है। इस प्रकार की गति जो होती है कोशिका की विभिन्न क्रियाओं जैसे कि परासरणी बल, म्यूसिलेज का स्त्राव, श्लेष्मा का स्त्राव तथा संकुचनशील अंगों के फलस्वरूप होती है, ठीक है। अब तीसरी जो हमारी गति आती है इसमें वो आती है हमारे पास में अमीबी गतियाँ। तो इस प्रकार की गति जो होती है स्लाइम मोल्ड के जो प्लाज्मोडियम द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। और यह अमीबा की तरह क्या करता है, सूडोपोडिया बनाकर जो होता है गति करता है, ठीक है। और चौथी जो हमारी इसकी गति आती है वो आती है हमारे जीवद्रव्य भ्रमण गतियाँ। तो अनेक पौधों की जीवित सेल्स का जो मुख्य रूप से जैसे कि जो हमारी तरुण सेल्स की जो रिक्तिकाएँ हैं के चारों ओर जो होता है हमारा जीवद्रव्य जो होता है भ्रमण करता है, यह जो होते गतियाँ जो होती है जीवद्रव्य की भ्रमण गतियाँ होती है, ठीक है। और यह भी दो प्रकार की हो सकती है, पहली हमारी इसमें परिसंचरण की गतियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार की गति में जो कोशिका का जीवद्रव्य है वह अनेक रिक्तिकाओं के चारों ओर विभिन्न दिशाओं में गति प्रदर्शित करता है। एक सेल में कुछ रिक्तिकाओं के चारों ओर दक्षिणावर्त तथा कुछ रिक्तिकाओं के चारों ओर जो होता है वामावर्त गति पाई जाती है। जीवद्रव्य की परिसंचरण गतियाँ जो होती है कुकुरबिटेसी कुल के पादप जैसे कि हमारा ट्रेडेकेंशिया के पुंकेसरी रोमों में पाई जाती है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल, ये भी हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारी जो गतियाँ आती है वह आती है हमारी इसकी सेकंड घूर्णन की गतियाँ। और यह भी क्या है, जीवद्रव्य गतियाँ हैं। तो इसमें क्या होता है, जब जीवद्रव्य जो होता है कोशिका में उपस्थित एकल बड़ी केंद्रीय रिक्तिका के चारों ओर गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन की गतियाँ कहते हैं। इस प्रकार की गति में जीवद्रव्य में उपस्थित कोशिकांग भी गति करते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, हाइड्रिला, विलिस्टेनेरिया और कारा, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो प्रकार की जीवद्रव्य भ्रमण गतियाँ बताई रखी है, एक पहली है परिसंचरण गति और दूसरी है घूर्णन की गति। परिसंचरण गति में हम जैसा कि जानते हैं कि विभिन्न रिक्तिकाओं के चारों ओर जो होता है जीवद्रव्य भ्रमण करता है, और घूर्णन गति में एक बड़ी रिक्तिका के चारों ओर जो होता है जीवद्रव्य भ्रमण करता है, ठीक है। अब सेकेंड टाइप की जो हमारी गति आती है वो आती है हमारी अनुप्रेरित चलन गतियाँ, ठीक है, टेक्टाइल मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की गतियाँ बाहरी उद्दीपन के कारण संपन्न होती है। उद्दीपकों की प्रकृति के आधार पर प्रकाशानुचलन, स्पर्शानुचलन, तापानुचलनी कहलाती है, ठीक है। फर्स्ट हमारे इसमें कौन सी है, फोटोटेक्टिक यानी कि प्रकाशानुचलनी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गतियां होती है वह एक दिशीय प्रकाश के अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। कुछ विशेष सवाल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स आदि की सेल्स में एक नेत्र बिंदु पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है, एक विशेष रचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, आई स्पॉट कहते हैं, जो क्या होता है प्रकाश ग्राही अंग होता है, ठीक है। तो इनके कारण ये क्या करते हैं कि प्रकाश के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं और चलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, हमारा युगलिना में इस प्रकार की गति पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है हमारे नेत्र बिंदु यानी कि आई स्पॉट पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो मतलब कि इसके अंदर और क्या है कि जब इन पादपों को एक ओर से हल्का विसरित प्रकाश दिया जाता है तो ये जो होते हैं प्रकाश की दिशा की ओर गति करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक प्रकाश में चलनी गति कहते हैं। इसके विपरीत यदि इन्हें जो होती है तीव्र प्रकाश दिया जाए तो ये जो होते हैं विपरीत दिशा में प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुचलनी गति कहते हैं। पत्तियों की पर्ण मध्युतक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी जो होता है प्रकाश उद्दीपक की अनुक्रिया में इसी प्रकार की गतियाँ देखी गई है। कम तीव्रता के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट इन सेल्स की जो होती है बाहरी व आंतरिक भित्तियों पर
एक पंक्ति के रूप में जो होता है उपस्थित हो जाते हैं ताकि इन्हें अधिक प्रकाश प्राप्त हो सके। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, एपिस्ट्रोफी कहते हैं। इसके विपरीत विपरीत जो इसके विपरीत क्या होता है कि तीव्र प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इन सेल्स की पार्श्व भित्तियों पर विन्यासित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरास्ट्रोफी कहते हैं। और अंधकार में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इन सेल्स में उपस्थित जो सेल्स में क्या होते हैं, अनियमित रूप से जो होते हैं व्यवस्थित होते हैं, और यह स्थिति क्या कहलाती है, एपोस्ट्रोफी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, तीन प्रावस्था दिखा रही है, एक तो कम तीव्रता के प्रकाश में और एक तीव्र प्रकाश में और एक अंधकार में। ठीक है, तो कम तीव्रता का जब प्रकाश होता है तब जो व्यवस्था होती है इसे हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जबकि जो तीव्र प्रकाश की तीव्रता में जो क्लोरोफिल की जो क्लोरोप्लास्ट की जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्ट्रोफी कहते हैं। और अंधकार के अंदर जो व्यवस्था होती है इसे हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता रखना चाहिए कि अगर गति जो हो रही है प्रकाश की दिशा में हो रही है तो वह क्या है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति है। यदि वह गति जो है प्रकाश की दिशा के विपरीत हो रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती गति कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है तापानुचलन। ठीक है, तो जो अनेक कशाबीय शैवाल जो होते हैं हमारे, वह जो होते हैं ताप उद्दीपक के प्रति जो होते हैं अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये शैवाल जो होते हैं सामान्य तापक्रम तापमान क्षेत्र की ओर गति करते हैं, अधिक ठंडे व अधिक गर्म स्थानों से जो होते हैं विपरीत गति करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे सामान्य तापक्रम होगा उस क्षेत्र की ओर तो ये क्या करेंगे, गति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब अगर वहाँ पे तापमान बहुत ही कम है या फिर बहुत अधिक है तो वहाँ पे क्या होंगे, यह विपरीत गति प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर गति करते हैं। ठीक है, यदि शीशे के बर्तन में ठंडा पानी भरकर क्लेमेडोमोनास शैवाल या फिर अन्य जो कशाबीक शैवाल हैं इनको डालकर बर्तन की जो दीवार है को गर्म किया जाता है तो शैवाल किस प्रकार की गति करेंगे, तो शैवाल जो है गर्म दीवार की ओर जो होती है गति करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस प्रकार की जो गति होती है यही क्या है कि धनात्मक तापानुचलन होता है। मतलब कि क्या करते हैं कि ये ताप की ओर जो होते हैं गति करते हैं, यही क्या है, धनात्मक तापानुचलन होता है। लेकिन यदि पानी को हम क्या करें, लंबे समय तक गर्म किया जाए और शैवाल विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिसे हम कहेंगे रवणात्मक तापानुचलन कहते हैं। मतलब हमने क्या करा कि पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो शैवाल क्या है, ज़्यादा गर्मी से जो है सामान्य तापक्रम की ओर गति करेंगे, तो यही क्या है, ताप की विपरीत गति है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक तापानुचलन गति कहते हैं। तीसरे प्रकार की गतियाँ आती है हमारे रसायन अनुचलनीय गतियाँ। तो रासायनिक उद्दीपक की अनुक्रिया में होने वाली चलन गति जो होती है रसायन अनुचलन गतियाँ कहलाती है। इस प्रकार की गति जो होती है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के पूमणुओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इन पादपों के स्थिर दानियों से विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा मेलिक अम्ल आदि स्त्रावित होते हैं जो पूमणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो हमारी गतियाँ आती है वह जो आती है हमारी वक्रण की गतियाँ। ठीक है, वक्रण गतियाँ इस प्रकार की गतियाँ जो होती है उच्च पादपों के अंदर पाई जाती है जो एक स्थान पर स्थित रहते हैं। इनमें जो होते हैं प्ररोह तथा अन्य कोई अंग जो होता है वक्रित अथवा झुकते हैं या मुड़ने की क्रिया प्रदर्शित करते हैं, और इन्हें भी हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है हमारे वृद्धि की गतियाँ। तो वृद्धि गतियाँ जो होती है यह पादप अंगों में परिवर्तनशील वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होती है। उद्दीपक के एक आधार पर इन्हें पुनः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें फर्स्ट होती है वृद्धि की स्वतः प्रेरित गतियाँ। तो इस प्रकार की गतियों में पादप के किसी अंग जैसे कि दल पत्ती बाह्य दल प्रतान आदि में क्या होता है कि आंतरिक कारकों द्वारा असमान वृद्धि के स्वरूप जो होती है होने वाली गतियाँ होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्वतः वृद्धि की स्वतः प्रेरित गतियाँ कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो इसमें आती है हमारे वो आती है हमारे इसके अंदर ही दो भाग में बांट रखा है इसको, कि पहली आती है हमारे अनुचलन की गतियाँ। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की गतियाँ जो होती है पादप के द्विपृष्ठीय अंगों जैसे कि पत्तियों पुष्पीय भागों प्ररोह तथा प्रतान आदि में दोनों की सतहों के की जो असमान वृद्धि के फलस्वरूप होती है। इन संरचनाओं की एक सतह की वृद्धि अधिक तथा दूसरी सतह की जो होती है कम होती है। यदि ऊपरी सतह की तरफ ज़्यादा वृद्धि होती है तो इस प्रकार की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, अधोकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो पत्ती की ऊपरी जो सतह है वहाँ पे ज़्यादा वृद्धि होगी तो वह क्या होगी, वृद्धि जो होगी वह क्या कहलाएगी, अधोकुंचन गति कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो पुष्पों का खिलना तथा कलिकाओं का नीचे की ओर झुकना, ठीक है, इसके विपरीत यदि निचली सतह की वृद्धि अधिक होती है तो इसे क्या कहते हैं, अधोवृद्धि वर्धन गति कहते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसका है कि फर्न की पत्तियों का तरुण अवस्था में कुंडलित विन्यास और पोपी जिसे हम क्या कहते हैं, और पेपेवर सोमनीफर्म यानी कि अफीम के पुष्पों का एपिस्ट्रेफी व हाइपोनेस्टी दोनों प्रकार की गतियाँ जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है, मतलब कि जो अफीम के पुष्पों द्वारा कौन कौन सी गतियाँ प्रदर्शित की जाती है, एक तो एपिनेस्टी और दूसरी हमारे होती है हाइपोनेस्टी, दोनों प्रकार की गतियाँ जो है प्रदर्शित की जाती है। कलिका अवस्था में हाइपोनेस्टी के कारण क्या होते हैं, पुष्प नीचे की ओर जो होते हैं झुके होते हैं,
तथा कुछ समय बाद जो होते हैं एपिनिष्टीकरण पुष्पी अक्ष सीधा हो जाता है। अब दूसरी जो हमारी आती है वो होती है हमें शिखा चक्रण। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की गति जो होती है आरोही प्रतान या फिर स्तंभ में पाई जाती है, ठीक है। और प्रतान क्या होता है, तो प्रतान वह संरचना होती है जिससे कोई बेल जो होती है दूसरे पेड़ या फिर कोई भी दूसरी संरचना जो होती है उस पर चढ़ती है, ठीक है। जिससे जो संरचना होती है वो क्या करती है, दूसरे पादप या फिर कोई स्थान जो होता है जो स्थिर रहता है उस पर क्या करती है, वह लपेट लेती है और उसकी सहायता से जो होती है वह उस पादप या फिर उस जो भी आधार है उस पर चढ़ती है, ठीक है। और इन अंगों के जो होती है शिखाग्र की दोनों सतहों पर एकांतरित रूप से असमान वृद्धि पाई जाती है जिस कारण ये अंग जो होते हैं बाएं दाएं गति करते हैं। इस प्रकार की गति के फलस्वरूप जो होते हैं प्रतान स्प्रिंग के समान कुंडलित हो जाते हैं जिससे क्या करते हैं इन्हें आरोहण में सहायता मिलती है, ठीक है। अब दूसरी प्रकार की इसमें गतियाँ आती हैं हमारे अनुप्रेरित गतियाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बाह्य कारकों द्वारा प्रेरित गतियों को हम क्या कहते हैं, अनुप्रेरित गतियाँ कहते हैं। ये कारक वृद्धि गतियों के लिए तब प्रभावकारी होते हैं जब ये एक दिशीय होते हैं। अतः इस प्रकार की गतियों को सदिश गतियाँ यानी कि सदिश गतियाँ या फिर क्या कहते हैं अनुवर्तन गतियाँ भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सदिश गतियाँ किसे कहते हैं तो हमें अनुप्रेरित गतियों की ही डेफिनेशन लिखनी है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि यह भी विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कि प्रकाशानुवर्तन। इस प्रकार की गतियों में पादप अंग की वक्रता प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। यदि किसी पादप अंग को एक दिशीय प्रकाश दिया जाए तो प्रवोह शीर्ष प्रकाश स्रोत की ओर वृद्धि करता है। सूरजमुखी जो पादप होता है का पुष्पक्रम प्रकाश की दिशा के अनुसार सदैव प्रकाश की ओर अभिमुख रहता है, ठीक है। दूसरे प्रकार की गति आती है हमारे इसमें वो आती है हमारे गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्व उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप होने वाली वक्रता को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पादप अक्ष होता है वह गुरुत्व के समांतर वृद्धि करता है जिससे क्या, जिसमें क्या होता है कि प्राथमिक मूल धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है तथा मुख्य स्तंभ जो होता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, ठीक है। मतलब कि मुख्य स्तंभ तो ऊपर की ओर वृद्धि करता है जबकि जो हमारी प्राथमिक मूल होती है वह नीचे की ओर वृद्धि करती है यानी कि गुरुत्व की दिशा में वृद्धि करती है। यदि अंकुरित बीजों को किसी भी दिशा में रखा जाए तथा तब जो होती है जड़ें सदैव जो होती है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन तथा जो हमारा स्तंभ होता है वह जो होता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन जो प्रदर्शित जो करता है। मतलब कि तना जो होगा यानी कि जो स्तंभ होगा वह हमेशा ही जो है गुरुत्व की दिशा के विपरीत यानी कि प्रकाश की ओर जो होता है वृद्धि करता है जबकि जड़ें जो है वह सदैव क्या होती है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती जो होती है वृद्धि प्रदर्शित करती है। अब नेक्स्ट हमारी जो वृद्धि आती है वो होती है हमारी जलानुवर्तन। तो एक दिशी जल अथवा नमी के कारण होने वाली वृद्धि गतियाँ जो होती है जलानुवर्तन गतियाँ कहलाती है। उच्च वर्गीय पौधों की जड़ें तथा निम्न श्रेणी के पौधों के मूलाभास जो होते हैं धनात्मक जलानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं परंतु पादपों में स्तंभ तथा पत्तियों के जो जल होता है के प्रति उदासीन जो होती है। मतलब कि जो पादप होते हैं उनमें जो स्तंभ तथा पत्तियां हैं वह क्या है जल के प्रति उदासीन है। मतलब कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो होती है वृद्धि प्रदर्शित नहीं करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रकार की हमारी जो वृद्धि आती है वो आती है हमारी स्पर्शानुवर्तन। तो इसमें क्या होता है कि किसी ठोस वस्तु से स्पर्श तथा उद्दीपन के अनुक्रिया में उत्पन्न होने वाली जो वक्रण गतियाँ होती है उन्हें ही हम स्पर्शानुवर्तन गतियाँ कहते हैं। प्रतान तथा दुर्बल आरोही स्तंभों में इस प्रकार की गति सामान्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। अब सक्रिय वृद्धि करने वाले पादप जो होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रतान किसी ठोस सतह से जो होता है ठोस सतह के संपर्क में आने के कारण क्या होता है स्पर्श उद्दीपक के कारण उसके चारों ओर जो होता है लिपटने लगता है। मतलब कि जो प्रतान था वह किसी ठोस उद्दीप मतलब कि सतह है उसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा वह एक उद्दीपक का कार्य करेगा उसके लिए और वह क्या करेगा उसके चारों ओर लपट जाएगा। मतलब कि जो हमारा प्रतान है उस ठोस सरफेस के चारों ओर जो हो जाएगा लिपटने लग जाएगा। अगली जो हमारी गति आती है हमें रसायनुवर्तन, ठीक है। तो रसायनुवर्तन में क्या होती है कि रसायन उद्दीपक की अनुक्रिया में उत्पन्न होने वाली जो हमारी वक्रण गतियाँ होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं रसायनुवर्ती गतियाँ कहलाती है। ये रसायन जो होते हैं सामान्यतः शर्करा एवं जो अन्य पोषक पदार्थ होते हैं वह होते हैं। उच्च पादपों की जो पराग नलिका वृत्तिका से होकर अंडाशय में स्थित बीजांड की ओर होने वाली जो गति होती है वह जो होती है रसायनुवर्तन गतियाँ होती है, ठीक है। अब अगली जो हमारी गतियाँ आती है वो होती है हमारी परिवर्तन की गतियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार की गतियों में क्या होता है कि ये जो गतियाँ होती है क्या होती है अस्थायी होती है। इनमें क्या होता है कि गतिशील अंग कुछ समय पश्चात पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। यह भी दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी स्वतः प्रेरित गतियाँ। तो इस प्रकार की गतियों में क्या होता है कि इसका उदाहरण जो है हमारा डेस्मोडियम गायरेंस जिसे हम क्या कहते हैं टेलीग्राफ पादप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस पादप में त्रिपर्ण की संयुक्त पत्तियाँ होती है जिसका जो होता है पर्णक जो होता है बड़ा होता है तथा दो पार्श्व पर्णक जो होते हैं छोटे होते हैं। दिन के समय पत्तियों के दोनों पार्श्व पर्णक घूर्णन गति करते हैं। पर्णकों की गति जो होती है रुक रुक कर झटके के साथ होती है।
यह पंडक हर दिशा में गति करते हैं तथा कभी कभी जो होते हैं 180 डिग्री का भी कोण बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के हमारे परिवर्तन की गतियाँ आती है, वो आती है हमारी अनुप्रेरित गतियाँ। इनमें क्या होता है, ये गतियाँ जो होती है दिशा से संबंधित नहीं होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अदिश गतियाँ कहते हैं। ठीक है, यह भी विभिन्न प्रकार की है। पहला आती है हमारी निशानुकुंचन गति। इसमें क्या होता है कि अनेक पादपों में पत्तियों तथा पुष्पों की स्थिति में दिन व रात के समय में परिवर्तन होता है। इस प्रकार की जो होती है दैनिक गतियाँ निशानुकुंचन गतियाँ कहलाती है। और इनमें क्या होता है कि इन गतियों से जो होता है तापमान में परिवर्तन कारण होती है। ठीक है, तापमान के परिवर्तन कारण क्या होती है, निशानुकुंचन गतियाँ होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले हम कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो ऑक्जेलिक या फिर पोर्चुलिका में पुष्प जो होते हैं प्राय दिन के समय जो होते हैं खुलते हैं और रात्रि के समय जो होते हैं बंद होते हैं। इसके विपरीत जो हमारा निकोटियाना यानी कि जो तंबाकू का पादप होता है, वह आर्जेथियाना जो पादप है में क्या होता है, प्राय जो होते हैं पुष्प जो होते हैं दिन में बंद रहते हैं और रात्रि के समय जो होते हैं खुलते हैं। ये क्या कहलाती है, गतियाँ हमारी निशानुकुंचन गतियाँ हैं। अब सेकंड हमारी गति आती है, वो आती है हमारी कंपानुकुंचन गतियाँ। इस प्रकार की गतियाँ क्या होती है कि स्पर्श अथवा कंपन के प्रभाव से उत्पन्न या फिर आघात के कारण जो होती है होती है। छुई मुई जिसे हम लाजवंती पादप कहते हैं, इनमें क्या होती है कंपानुकुंचन गतियाँ पाई जाती है, यानी कि स्पर्श अथवा कंपन के कारण जो गतियाँ उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तीसरी जो गतियाँ यहाँ पर हमारी आती है, वो आती है हमारी स्पर्शानुकुंचन। कीट भक्षी पादप जैसे ड्रोसेरा, नेपेंथिस, डायोनिया आदि के जो होते हैं इस प्रकार की गति जो होती है प्रदर्शित करते हैं। इन पादपों की पत्तियों के किनारे पर स्पर्शक उपस्थित होते हैं। जब कोई कीट इन स्पर्शकों के संपर्क में आता है तो उद्दीपन के फलस्वरूप जो होते हैं ये स्पर्शक पत्ती के केंद्र की ओर झुक जाते हैं तथा कीट को पत्ती की सतह पर दबाकर अनेक छोटे छोटे स्पर्शकों के संपर्क में ले आते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के स्पर्शकों के झुकने की क्रिया जो होती है स्पर्शानुकुंचन कहलाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि छुई मुई के अंदर कंपानुकुंचन गति की क्रियाविधि क्या होती है और यह किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की गतियां जो होती है स्पर्श अथवा कंपन के प्रभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि आघात के फलस्वरूप होती है। छुई मुई जिसे हम माइमोसा पुटिका भी कहते हैं, में यह गति जो होती है स्पर्श रूप से देखी जा सकती है। माइमोसा पुटिका में द्विपिच्छ की संयुक्त पण पाई जाती है। इसका पणवंत फुला हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुलविनस कहते हैं, तथा इसके पर्णक के आधार पर भी छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पुलवी न्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो पर्ण के किसी भी पर्णक को स्पर्श करने पर उद्दीपन तुरंत उसके आधार पर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सभी पर्णक एक क्रम में मुरझाती चली जाती है तथा अंत में क्या होती है, पूरी पत्ती मुरझाकर नीचे की ओर झुक जाती है। यह स्थिति जो होती है पर्ण वृंद के पुलविनस के कारण जो होती है, पुलविनस की दोनों सतहों की विभेदक स्थिति के फलस्वरूप होती है। ठीक है, अब हमारे क्या होता है कि जो हमारा पुलविनस होता है कि नीचे भाग में उपस्थित मृदुति की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त तथा अंतरा कोशिकीय अवकाशों युक्त होती है। उद्दीपन के जो होते उद्दीपक के जो होते हैं पुलविनस तक पहुंचने पर निचले भाग की जो सेल्स होती है से जल निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाशों में एकत्रित हो जाता है और सेल्स की स्फीति समाप्त हो जाती है। इसी समय जो ऊपरी भाग की सेल्स अंतरा कोशिकीय अवकाशों से जल अवशोषित कर स्फीत हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पत्ती नीचे की ओर जो होती है झुक जाती है। कुछ समय पश्चात निचली सतह की सेल्स में जो होती है जल अवशोषित कर लेती है तथा पुनः स्फीत हो जाती है, जिससे जो होती है पत्ती अपने सामान्य अवस्था में पुनः आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे छुईमुई पादप के अंदर जो पत्तियाँ होती है वह मुरझाती है तथा पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आती है।